मास्टर्स गेम्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी अध्यापकों के लिए है, ये सिर्फ मास्टर्स का मतलब यहाँ पे लिया गया है। द एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस लेते हैं, जिनको पहले वेटरन कहा जाता था, लेकिन जब से 30 साल से ऊपर के व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो अब उनको मास्टर नाम दिया गया है, जो दे आर परफेक्ट इन देयर पर्टिकुलर गेम। इन गेम्स का आयोजन हम पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं, इस बार ये 6ठी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। 5 जो प्रतियोगिताएं हैं वो मास्टर गेम फेडरेशन के बैनर के नीचे की है। अब जो 6ठी प्रतियोगिता है ये सुपर मास्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम से हो रही है, जो कि कल शुरू होगी। आने वाले 6 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें प्रथम चरण में बेम्बोलिम के एथलेटिक स्टेडियम में जो एथलेटिक की प्रतियोगिता है वो होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में 24 राज्यों से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भारतवर्ष से आए हैं यहाँ पे, और सब लोग पहुँच गए हैं। जो अगले फेज़ है हमारा, जिसमें टीम इवेंट्स होंगी, उस टीम इवेंट्स का जो आयोजन है वो फटोडरा के स्टेडियम में, साथ ही साथ मनोहर पारिकर स्टेडियम में बहुत सारी गेम्स होंगी, तो उसका आयोजन यहाँ पे 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक होगा। तो उसके लिए हमारे जो मास्टर्स गेम एसोसिएशन है, सभी राज्यों में हमने रजिस्टर कराई है, उनके माध्यम से सभी खिलाड़ी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और जिनका कल इवेंट है वो आज पहुँच चुके हैं। तो इस बारे में हम बताना चाहेंगे कि गोवा एक क्योंकि खूबसूरत जगह है, पूरे भारत के लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, और मास्टर्स गेम्स का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपनी बचपन की खेल से जुड़ें और आजीवन उससे खेलते रहें, और वास्तव में जो फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसका योगदान यहाँ से वो आपको बता पाएंगे कि वास्तव में फिट इंडिया की ज़रूरत क्या है। कि जो बच्चा खेलता है खेल, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, गवर्नमेंट भी उसको बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, लेकिन हम एक सीनियर प्लेयर्स को यहाँ पे जोड़ रहे हैं जिन्होंने अपना बचपन दिया है उस खेल के लिए, लेकिन जब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुँचते हैं जब परिवार में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो उनकी वो गेम छूट जाती है। तो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन ने 1985 में ये काम शुरू किया कि उन सब खिलाड़ियों को ताकि खेलने का अवसर दिया जाए, ताकि जीवन के इस दौर में वो नशे की या किसी और कुरीति में ना फंस करके अपनी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे और लाइफ टाइम वो खेलते रहें। उसके लिए प्लेटफॉर्म हम मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारतवर्ष में आई एम द फाउंडर ऑफ दिस मास्टर्स गेम, हमने इसका गठन किया। अब आज भारत में लगभग 40,000 खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसका आप यहाँ पर नमूना देखेंगे कि केरला स्टेट से ही मेरे पास 1,000 व्यक्ति यहाँ पे खेलने के लिए आ रहा है हर एक गेम के अंदर। महाराष्ट्र से, नागालैंड से, आसाम से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसका प्रतिभागी गोवा में ना पहुँच रहा हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमने ये मूवमेंट शुरू की और आज इस मूवमेंट में पूरा हिंदुस्तान जुड़ चुका है। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि क्योंकि आप हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से हम अवेयरनेस प्रोग्राम है ये इसमें ऐसा नहीं है कि जो खिलाड़ी खेलने आ रहा है उसने करियर बनाना है, ये एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम है स्पोर्ट्स के अंदर कि लोग स्पोर्ट्स को खेलें, हेल्दी रहे, और वो हॉस्पिटल का रास्ता ना पकड़े, वो ग्राउंड का रास्ता पकड़े। दिस इज़ आवर मेन मोटिव। गोवा का भी कुछ रहेगा? गोवा के भी इसमें खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि गोवा के अंदर अभी इतना पॉपुलर नहीं है, इसके लिए हमने गोवा के इसको जोड़ा है सब लोगों को। तो वॉलीबॉल के प्लेयर्स यहाँ पे गोवा के खेल रहे हैं, एथलेटिक में लोग खेल रहे हैं, बेसिकली स्विमिंग में बहुत सारे खिलाड़ी गोवा के जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल कितना पार्टिसिपेट खेल रहे हैं? हमारी 20 गेम्स यहाँ पे जो होने जा रही है, मैं उसकी आपको ब्रीफ देना चाहूँगा। सबसे पहले एथलेटिक जो कल शुरू होगी, और उसके बाद आर्चरी, आर्म रेसलिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, साथ में स्विमिंग, शूटिंग, डार्ट गेम अभी नई शुरू हमने की है, चेस इसके अंदर है, चेस प्रतियोगिता होनी है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, फिर आपको वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, योगा है, शूटिंग है, वॉलीबॉल है। ये 20 गेम्स यहाँ पे उसका आयोजन होगा, और एक बड़े स्तर पे इस आयोजन को किया जा रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे क्योंकि इतने खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं, और तो सब लोगों का इस गेम्स का जो कवरेज है वो पूरे तरीके से आपके माध्यम से होगा, तो उसका एक सही मायने में अर्थ निकलेगा कि लोगों को मालूम पड़ेगा कि कोई भी उम्र जो है वो खेलने के लिए कम नहीं है। यहाँ पे जो अधिकतम आयु वर्ग का जो व्यक्ति हमारे पास पार्टिसिपेट करेंगे उनकी उम्र 88 वर्ष है। गोवा के खिलाड़ी हैं कितने इसमें भाग लेंगे और कितने? मैं 5-6 गेम्स में भाग लेंगे, 5-6 गेम में भाग लेंगे, शूटिंग में भी हैं, स्विमिंग में है, वॉलीबॉल में है, फुटबॉल में है, और एथलेटिक में यहाँ के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि गोवा के लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा है इसके बारे में।
वरना अभी मुझे बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोकल यूनिट जो है वो स्ट्रांग नहीं था, जो हमारे सेक्रेटरी थे वो बाहर है लंदन में, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे लोकल पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ज़्यादा करेज। कौन से स्टेट से? सबसे ज़्यादा प्रतिभा की हमारे केरला से, सबसे फिर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आसाम है, फिर हिमाचल प्रदेश। इस तरह से पूरी डिटेल है जो हम आपको साथ साथ देते रहेंगे, क्योंकि अभी एथलेटिक क्योंकि फर्स्ट फेज़ है और बेम्बोलिम में है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कल वो शुरू हम करेंगे, 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद हम इसी क्षेत्र में आ जाएंगे। 2 हमारी गेम ऐसी जो मापुसा में हो रही है, हॉकी कटर ऑफ टू की मापुसा में है, और हॉकी में बहुत अच्छी टीमें आई हैं। साउथ में कौन सी गेम रहेंगी? साउथ में जो सबसे बड़ी गेम है वो बास्केटबॉल है, जिसके अंदर हमारे पास 56 टीम्स रजिस्टर्ड हुई ऑल ओवर इंडिया, 56 टीमें, जो बहुत लंबा गेम चलने वाला है। उसके बाद हैंडबॉल है, बहुत बड़ी गेम है, फिर फुटबॉल डॉन बॉस्को में होने वाली है, और फुटबॉल के बाद हमारे पास यहाँ पे वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ये सब फटोटरा में होंगे सारी गेम, स्विमिंग यहाँ पर होंगे, आर्चरी है जो स्पेशल है, कबड्डी है, योगा है, आर्म रेसलिंग है, ये सब, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में बहुत से प्रतिभागी दूर दूर से आ रहे हैं। टोटल पार्टिसिपेंट्स का नंबर कितना हुआ? 4000 सर। खिलाड़ी भाग रहे हैं, ये अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से भाग रहे हैं? यस सर। या अपने रिस्पेक्ट? दिस इज द ग्रेस ऑफ दिस गेम कि जितने भी हमारे पास खिलाड़ी आ रहे हैं वो खुद का खर्चा करके आ रहे हैं, हम लोग उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, वो अपने पैसे से खर्चा करके आ रहे हैं, वो हमको भी एंट्री फीस दे रहे हैं, वी हैव प्रोवाइडेड देम द प्लेटफॉर्म ओनली, अपने खर्चे पे आ रहे हैं। हमारा अवेयरनेस यही है कि जो आदमी खुद के ऊपर खर्चा करेगा, अपनी हेल्थ के लिए दौड़ेगा, हमारी फेडरेशन ने एक भी रुपया किसी से भी ग्रांट नहीं लिया आज दिन तक, इतनी गेम्स हम लोग करा चुके हैं, सिर्फ अपने बलबूते पे इस गेम को करा चुके हैं। अभी ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं उसमें से बहुत से देश के लिए खेले गए, या हमारे पास बहुत से अर्जुन अवार्डी इसमें खेलने के लिए आ रहे हैं, आर्चरी में भी है संजीवा सिंह है, खुद ओलंपियन है द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, खुद भी खेलेंगे, लोग भी आ रहे हैं एथलेटिक के अंदर, अर्जुन अवार्डी उत्तर प्रदेश से जो है, हनुमंत राव वो भी आ रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पास इसमें ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के, बास्केटबॉल के पूर्व कप्तान और बहुत सारे खिलाड़ी, आप उनका एक एक इंटरव्यू ले सकते हैं मनोहर पारिकर स्टेडियम में आके कि किस रैंक के इंडिया प्लेयर के थे प्लेयर जो यहाँ खेलने के लिए आ रहे हैं। सरकार का कुछ है एंट्री प्रोसेस, हमारा सिंपल एंट्री प्रोसेस है, बट द एंट्रीज हमारी क्लोज हो गई है 31st को, पिछले हम वो एक प्रोसेस 2 महीने से चला था, परंतु गोवा के लिए हमारे पास अभी भी दरवाजे खुले हैं कि जो होस्ट स्टेट है उनको हम लास्ट मोमेंट तक उनको एंटर करेंगे। अभी भी अगर आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे लोग सुन रहे हैं गोवा के, तो आई वुड लाइक कि वो अभी भी आएंगे तो हम उनको कोऑपरेट करेंगे, अदर दे एक दो गेम को छोड़ के जिनके फिक्सचर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि बैडमिंटन है या कोई और है, अन्यथा एथलेटिक में इंडिविजुअल गेम में वो सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकार का कुछ है इसमें भाग? सरकार ने हमको जो सपोर्ट किया है कि हमें ग्राउंड दिए हैं, भले ही वो पेएबल है, लेकिन और मेडिकल डिपार्टमेंट की पूरी सुविधा दी है, मुझे अभी दिन का लेटर मिला है कि उन्होंने हमें कहा है कि आपको जहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो मिलेगी, हम धन्यवाद दिए गोवा सरकार के, एडमिनिस्ट्रेशन के, CM साहब के विशेष तौर से, कि उन्होंने हमारी हर बात को माना है, हमको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी है। आने वाले 3-4 दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि गोवा की सरकार हमको और सपोर्ट दे, केयर करेंगी हमारे सभी खिलाड़ियों का और उनके परिवारजनों का, विशेष तौर से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फैमिली यहाँ पे आए हैं, ताकि वो टूरिज्म का टूरिज्म भी हो जाए और खेल का खेल। सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर YouTube एंड Facebook चैनल फॉर मोर वीडियोज़।